हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या होने वाली है, क्या हो सकती है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं यार, या एक जनरल रीडिंग है, इग्नोर करें, ओके। क्योंकि सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेकआउट कर लें। चलिए, सबसे पहले आप गौर से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। क्या बात है, कोई घोड़ी चढ़ कर आने वाला है या जाने वाला है? शादी कर रहे हैं क्या आप लोग? गाइस चलिए, हाँ, सबसे पहले ना अपने पार्टनर को याद करें, हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे पहले। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इनको लेकर क्या है, एंड इन 24 घंटों में वो इनको लेकर क्या सोचने वाले हैं, कैसा महसूस करने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताएँ। द टावर, ओ माई गॉड, कुछ टावर मोमेंट आया है क्या, या हो सकता है, ठीक है, इस टावर मोमेंट से बच कर रहे हैं। गाइस, टावर मोमेंट से बच कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, बच कर रहे हैं इससे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फील कर सकते हैं आपके पार्टनर। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, यहाँ पर अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी करेंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर क्या है? दी सन, वाओ, दी वर्ल्ड, क्या बात है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है फायर साइन, अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एंड गाइस मुझे वाटर साइन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। वाटर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा साइन नहीं तो ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में स्टेबल लाना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, अपने लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुझे मानसिक कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दे रहे हैं। वो दोस्त सोच रहे हैं, ठीक है, जो वो मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस वक्त उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है ये द टावर का कार्ड मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच किसी भी तरह का गाइस मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, इससे बच कर रहे हैं, ठीक है। द टावर मोमेंट या तो आया है या फिर आ सकता है, इससे बच कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन ना हो तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी ले रहे हों, इन्फॉर्मेशन ले रहे हों किसी के थ्रू, ठीक है, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हों। एंड बहुत लोग, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ को स्टेबल करना चाह रहे हैं, एंड ऐसा हो सकता है कि अपने वर्क पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा मुझे आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों में कोई टावर मोमेंट आया है ना तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, ओके, जिसको लेकर आप जानते हैं, जिसको लेकर हो सकता है आप लोगों में टावर मोमेंट आया है। अगर नहीं ना तो प्लीज़ इससे बच कर रहें, ओके, इससे बच कर रहें। मुझे आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में खबर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं,
एंड ये सोच रहे हैं कि चलो इसको मैसेज या कर लूँ या कॉल कर लूँ, ये मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके आपके अगर नो कांटेक्ट में होना तो हो सकता है आपके आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन मिल जाए, ठीक है, आपकी तरफ से हो सकता है इनकी तरफ से आपको कुछ मैसेजेस आए या कॉल आए, ये सोच रहे हैं, मुझे सोचते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपकी करेंट फीलिंग देखूँ तो आप अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हों। आप बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ना एक एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, पता है, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं। आपका ऐसा है कि ना कि तुम ही मेरी दुनिया जहान में ऐसा टाइप, सॉरी गाइस सॉरी ना, मतलब ना मैं देख पाने को ना आप अपने पार्टनर को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो यार, बहुत ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर ना आप वो बोलते, सॉरी यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पक्का पक्का आप लोगों के बीच कुछ थर्ड पार्टी तो है जो आप दोनों को ना एक होने नहीं दे रही है, पता है, पक्का मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना कि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना तो ऐसा हो रहा है, पता है, कि कुछ डिस्टर्ब टाइप का हो रहा है, पता है, तो पक्का आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी तो है जो दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, ठीक है, ऐसा है तो बच कर रहे हैं, ठीक है, टावर मूवमेंट से बच कर रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी है ना उससे भी, ठीक है, जो कुछ भी है बातचीत एक दूसरे को सुलझाएं, ठीक है, टावर मूवमेंट से बचें, ठीक है, अगर बचकाना हरकत आपके पार्टनर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैच्योर बने, मुझे दिखाई दे रहा है। यस, आप ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, पता है, आप ना इनको पूरा अपनी दुनिया मानते हैं, ऐसा है आपको, ऐसा कि सॉरी हाँ, आप ना अपने पार्टनर को पूरी अपनी दुनिया मानते हैं, इनको ना अपनी खुशियों का सोर्स मानते हैं, एंड आपका ना पूरा ऐसा सपना है कि मेरी लल्ला की मम्मी या पापा यही होगी या यही होंगे, ऐसा टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने सही कहा ना, शादी के सपना तो यश है, पूरी दुनिया तो मानते हैं, एंड ना पूरी दुनिया से ना आप ऐसा है कि ना इनको इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो कि बस मेरा है तो मेरा है, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, एंड इनके साथ आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, अच्छे से जो कुछ भी हुआ चलो हो गया, पर अब न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, ऐसा है गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ना आप थोड़े से गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप ना ऐसा है कि जिस तरीके से ये पर्सन के मेच्योर बिहेवियर देख देख कर ना आप थक वो हो चुके हो, पता है क्या बोलते हैं, हाँ थक चुके हो, पूरा एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुके हो कि क्या है तेरा ये ऐसा टाइप का करके, ठीक है, आप पूरा ना वो हो चुके हो, तो आपका ऐसा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आएंगे ना कि बात करने के लिए तो आप इनसे ज़रूर पूछताछ करेंगे कि ये तेरा क्या है, हाँ कभी तेरा बात करना, कभी ना करना, कभी भगना, कभी आना, ये सब क्या है, ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा टाइप ना आपका बिहेवियर होने वाला है, पता है, बहुत ही ज़्यादा अब ना इनको आसानी से माफ़ नहीं करने वाले हैं, इनके मैच्योर इनके अगर थर्ड पार्टी ही अगर इन्होंने लाया है किसी भी तरह के हो सकता है, ठीक है, कैसे ला सकते हो इस टाइप का अपना, आप एग्रेसिवनेस में देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ना थोड़े गुस्से में हो आप, एंड बट ऐसा है कि गुस्से में तो हो बट न्यू बिगनिंग आप भी चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग आप दोनों ही चाहते हैं। यस गाइस, चलिए देखते हैं आगे आप दोनों में क्या होने वाला है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही जल्दी आपको किसी का प्रपोजल मिलने वाला है, आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, फिर से सॉरी यार, हाँ ओके, मैंने कहा था ना आप दोनों के बीच कुछ तो थर्ड पार्टी है जो दोनों को एक होने नहीं दे रही है, आप दोनों को ठीक से बातचीत करने नहीं दे, मतलब एक नहीं होने दे रही है वो, यस आप दोनों के बीच कोई तो थर्ड पार्टी है जो एक नहीं होने दे रही है, क्योंकि ना आप लोगों की रीडिंग में बार बार कुछ ना कुछ, ठीक है चलिए छोड़िए, यस आपको ना बहुत ही जल्दी, ठीक है, इनकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन मिल सकता है इन 24 घंटों में, ठीक है, इन 24 घंटों में, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाला है तो यही है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको इनके तरफ से, आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि जिस तरीके से कुछ गलत अगर आपके साथ हुआ है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है, सब्र रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस बनाए रखें, बहुत ही जल्दी आपको जस्टिस मिलने वाला है। चलिए गाइस और देखते हैं आगे क्या होने वाला है,
माई गॉड माई यूनिवर्स मैन जस्ट प्लीज मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं एंड उनके पार्टनर के बीच नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी सिचुएशन में आप दोनों हो ना कि सेटिस्फाई नहीं है, आप दोनों ही नहीं हैं। हाँ यार, कहाँ रहेंगे बताओ ना, ये स्टेबल लाइफ नहीं है, जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी जो एक ऐसे को लेकर कैसे कोई सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ओके। इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पर्सन मैच्योर बनेंगे, ठीक है, मैच्योर बनेंगे, ठीक है। जो ये इमैच्योर पर्सनालिटी में अभी है ना, इमैच्योर बिहेवियर जो इनका है उसमें मैच्योर होने वाले हैं एंड आएंगे तो मैच्योर होकर आएंगे, ठीक है। एंड आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलने वाला है। एस ऑफ सॉरी बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना प्यार का प्रपोजल मिलने वाले हैं, आपके प्यार आपका जो पार्टनर है प्यार का प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं एंड आएंगे तभी तो आपको जस्टिस मिलेगा ना। यस तो गाइस यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, यहाँ सब्सक्राइब कर दें एंड आपको ना निगेटिविटी नहीं, निगेटिव नहीं रहना, ओके, हमेशा पॉजिटिव रहें एंड बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कई लोग ना हेल्थ इश्यूज़ कई लोगों को हो रहा है, ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है या तो आप आपके मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप आपके पार्टनर कोई तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, तो गुस्सा नहीं करना है, मन को शांत रखना है और बहुत सारा अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।